दोस्तों आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को दो बड़े झटके लगे हैं। दरअसल आज टीटीपी ने पाकिस्तान के दो बड़े बलूचिस्तान के शहरों पर कब्जा कर लिया है और इन दो शहर में से पहले शहर का नाम कलाता है और दूसरे शहर का नाम मकरान है और ये पाकिस्तान की सेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इन आतंकियों को अपने देश में पाला था और आज यही जिहादी पाकिस्तान की सेना की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और आज हमारी सेना की तरफ से भी कश्मीर के अंदर एक बड़ा हमला होने से बचा लिया गया है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारी सेना को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारी सेना और हमारी पुलिस की तरफ से एक जॉइंटली ऑपरेशन किया गया है, जिसमें हमारी सेना को ये इनपुट मिला था कि एलओसी के पास में जो जुम्मागढ़ का इलाका है उसमें 5 जिहादी चुपचाप तरीके से घुस चुके हैं। और जैसे ही हमारी सेना को ये इनपुट मिला तो हमारी सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से एक जॉइंटली ऑपरेशन किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के 5 जिहादियों को ठोक दिया गया है। जिस दौरान ये ऑपरेशन किया गया है उस समय हमारी सेना ने जुम्मागढ़ के पूरे इलाके को घेर कर इन जिहादियों के ऊपर गोलीबारी की थी और उसी समय ये पांचों के पांचों जिहादी ढेर हो गए हैं और फिलहाल इन जिहादियों के हथियारों को बरामद किया जा रहा है। और हमारी सेना का ये भी कहना है कि ये जिहादी भारत के अंदर एक बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे थे और अब से 3 दिन पहले ही यानी कि 13 जून को भी हमारी सेना की तरफ से 2 पाक जिहादियों को ठोका गया था, लेकिन अब उन लोगों की भी शामत आने वाली है जो इन पाक जिहादियों को अपने घर में शरण देते हैं। और ऐसा हर बार होता है, जब भी भारत में कोई बड़ा हमला होता है तो उसमें 2 से 3 कश्मीरियों का हाथ जरूर होता है। जब पुलवामा में हमला हुआ जब भी ऐसा हुआ था, पुंछ में हमला हुआ जब भी ऐसा ही हुआ था, इन सभी बड़े हमलों में हमेशा ही कश्मीरियों का हाथ होता है। और अब आप खुद ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इन जिहादियों का समर्थन करने वाले कश्मीरियों का क्या करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।